हाय शुभम एंड वेलकम अगेन ऑन प्लेटफॉर्म ऑफ यूरपीडिया। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग एंड मी अगेन। या शुभम, आई पब्लिश्ड माय फर्स्ट इंटरेक्शन वीडियो विद यू समवेयर इन दिसंबर 2020। दैट वाज द टाइम व्हेन यू गॉट सिलेक्टेड इन प्रेस्टिजियस कोर्स ऑफ कंप्यूटेशनल डेटा साइंस। दैट वाज एमएस कोर्स एंड दैट वाज इन एनआईटी सूरतकल। एंड यस बिलीव मी, आफ्टर दैट वीडियो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स गॉट इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस पर्टिकुलर कोर्स। And now this course students aspire to become part of this course. Now after almost 2.5 years, you have already completed this particular course very successfully, and now you are in the job market. You are doing job in computational in the data science. So today I want to interact with you, Shubham, and not only I would like to know your journey in NIT Suratkal in computational data science. How was it? But also, I would like to know that what are the opportunities available to students of different background in data science, and how they can specialize in that, and what kind of job opportunities are existing to students in this. My entire interaction will be related to the queries of the students. So that is what I'm going to ask you. Like, if suppose I'm from different branch, should I go for data science, and if I should go for data science, where are the opportunities in India, and that then how, especially for low GATE score people who do not have GATE score or who have no GATE score, for them how they can land up in data science and then very good job opportunities later on. So I'll be discussing about that only, but I first start with your own background, Shubham, and please tell us briefly about your personal background and your professional background. In the personal background, please tell us which part of India you are from, about your parents. And in the professional background, tell us what is your graduational background and what was your GATE score at the time when you applied for this particular course? What was your CGPA? What was your college? So these couple of things we start with. ओके सर। तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। महाराष्ट्र में एक चंद्रपुर सिटी है, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। एंड मेरे घर पे मेरे डैड, मेरी मॉम एंड मेरे भैया है, बट माय डैड इज नो मोर, बट ही वाज अ प्रिंसिपल एट दैट टाइम। एंड माय मॉम इज आल्सो टीचर एंड माय ब्रदर वाज आल्सो टीचर, बट नाउ ही शिफ्टेड इनटू आईटी एंड ही कन्विंस्ड मी टू गेट इन टू आई टी, माई एल्डर ब्रदर। हाँ सो ही इज, अब वो भी, मेरे बड़े भैया भी अभी आई टी में ही है। तो ये मेरा एक पर्सनल इंट्रोडक्शन हो गया। अब प्रोफेशनल की अगर बात करेंगे तो मेरा ग्रेजुएशन मेरे नेटिव प्लेस से ही हुआ है, चंद्रपुर से, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में। उसके बाद मैंने 4 साल गेट की ही प्रिपरेशन की थी, क्योंकि मुझे मीन्स ये था कि मुझे मास्टर्स करना था एक अच्छे इंस्टीट्यूट से, आईआईटी एनआईटी से। मैं ये सोचता था कि अगर पढ़ना है तो एक ही साथ पढ़ लो और फिर बाद में तो जॉब ही करना है। तो फिर मैंने 2016 में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में। उसके बाद मैंने 4 साल गेट दिया, तो फाइन जो फोर्थ ईयर था, मतलब फाइनल ईयर था मेरा प्रिपरेशन का, उसमें मेरा फाइनली क्रैक हुआ गेट, और मेरा गेट स्कोर थोड़ा कम था, थोड़ा नहीं बहुत कम था, 384। बट आपके प्लेटफॉर्म की वजह से मैं, मतलब एक लास्ट उम्मीद बची थी मेरी, अदरवाइज कोई ऐसा नहीं था कि जिसने मुझे बोला कि भाई रिपीट ही कर ले तू। ओके, बिकॉज 384 पे कुछ नहीं मिलता है आज के टाइम पे, मतलब सॉरी तब के टाइम पे, तब भी मिलता था लेकिन लोग उतने अवेयर नहीं थे। तो फिर मैंने जितने भी अपॉर्चुनिटीज थी उनको सबको एक्सप्लोर किया। मुझे तो पता भी नहीं था मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, बट वही था कि जो भी अपॉर्चुनिटीज आती है उसको एक्सप्लोर करो, उसको ट्राई करो। सो मेरा गेट स्कोर था 384, और मैंने जहाँ पे भी मैं एलिजिबल था, डजन मैटर कि मुझे वहाँ पे जाना है नहीं जाना है, मैंने अप्लाई किया, प्रिपेयर किया, और मैंने यूरोपीडिया भी ज्वाइन किया था। और फाइनली मेरा एनआईटी सूरतकल में डेटा साइंस में सिलेक्शन हुआ। तो अगर मैं कोर्स की बात करूँ तो एक्चुअली मतलब 2 साल का कोर्स होता है, तो उसमें तो थी, अब बिकॉज वो कोरोना पीरियड था इसलिए मेरे तीन स्टार्टिंग के जो 3 सेम थे वो घर पे ही गए, तो मुझे उतना इंटरेक्शन करने नहीं मिला। बट फाइनल सेम में हमें बुलाया गया, तो हम वहाँ पे गए, थोड़ा इंटरेक्शन हुआ, तो जो भी था वो अच्छा था। और ये एक थोड़ा ग्रोइंग फील्ड है, अभी उन्हें भी नहीं पता था, मतलब जो मेरे मतलब ब्रांच उन्होंने जो लाई थी डेटा साइंस, कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस, तो वो पहले मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल नाम था उनका, मतलब वो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट था एक्चुअली। फिर उन्होंने जैसे जैसे अभी मार्केट इसका स्कोप देख के उन्होंने फिर इसको डेटा साइंस में कन्वर्ट किया, और अभी वो
और इवॉल्व हो रहा है, मतलब वो हमसे फिट, जो उन्होंने सब्जेक्ट भी रखा था या जैसा कोर्स ड्यूरेशन था, प्रोजेक्ट था, जो भी था, हमसे फीडबैक लेते थे। और अभी जो जूनियर्स जो बच्चे हैं, मतलब प्रीवियस बैच के, तो सॉरी जो आने वाली बैच है, तो उनके लिए अब वो अप्लाई कर रहे हैं, मतलब वो धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है और अच्छा कर रहा है। और अभी आपको तो पता ही, उसकी मार्केट में बहुत डिमांड है। तो ये मेरा पर्सनल। ओके शुभम, अब इसमें दो तीन चीज पूछूंगा आपसे मैं। आपने अपना गेट स्कोर तो बताया, लेकिन आपने आपने मेरे को बैकग्राउंड बताइए, आपने इंजीनियरिंग किसमें किया है और आपका कैटेगरी क्या था उस टाइम पे और सीजीपी क्या था। मेरा एक तो इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में मेरा ग्रेजुएशन हुआ है, ठीक है। तो मेरा गेट स्कोर था 384 और मेरी कैटेगरी थी ओबीसी। सो शुभम, इसमें सीजीपीए भी मैटर करता है, व्हाट वाज योर सीजीपीए। मेरा सीजीपीए 8.63 था, 8.6 ओके था। तो ओके जहां तक मुझे लगता है कि, अब मुझे तो नहीं पता क्योंकि वो मतलब किस बेसिस पे सिलेक्शन करते हैं, लेकिन मुझे इतना पता चला था बिकॉज मैंने आपको बताया कि 3 सेम में घर पे ही था, तो मैं ज्यादा इंटरेक्शन करने नहीं मिला। लेकिन जितना भी इंटरेक्शन हुआ जब मैं फाइनल सेम में कॉलेज गया, तो इतना पता चला कि वो स्पेशली पीएचडी के लिए या एमएस के लिए, या जिसको हम एमटेक रिसर्च बोलते हैं, तो इसके लिए वो सिर्फ वैलिड गेट स्कोर मांगते हैं और एकेडमिक देखते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर एकेडमिक वो देखते हैं, इट मींस वो सीजीपीए सीजीपीए भी देखते देखते हैं। हैं। अच्छा तो शुभम, वाज देयर एनी रिटन एग्जाम फॉर एंट्रेंस ऑफ दिस, रिटन एग्जाम और इंटरव्यू। यस सर, तो मेरे टाइम पे जस्ट बिकॉज कि वो कोरोना था और सब चीजें डिले हो गई थी, इसलिए उन्होंने डायरेक्ट इंटरव्यू रखा। लेकिन मेरे बाद जो बैच थी उनके टाइम पे रिटर्न और इंटरव्यू दोनों था। सो इफ सम स्टूडेंट इज टारगेटिंग टू गेट एडमिशन इन कंप्यूटेशनल डेटा साइंस एंड एनआईटी सूरत कल, हाउ ही कैन प्रिपेयर फॉर रिटन एग्जाम एंड इंटरव्यू, कैसे तैयार करना चाहिए उसको। जितना मुझे पता है या जितना मेरा नॉलेज है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बोलूंगा कि मैथमेटिक्स, लीनियर अच्छा अलजेब्रा या प्रोबेबिलिटी, आप दूसरा भी प्रिपेयर कर सकते हो, लेकिन मोस्टली जो लीनियर अलजेब्रा और प्रोबेबिलिटी के जो कंसेप्ट है, वो डेटा साइंस में यूज होता है। ओके तो मैथमेटिक्स में ये दो टॉपिक बोलूंगा, और प्रोग्रामिंग में जो भी आप कंफर्टेबल हो, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, कोई भी एक आपको आनी चाहिए। और थोड़े कंप्यूटर साइंस के थोड़े जो बेसिक वाले जो सब्जेक्ट्स हैं, जो मतलब जिससे हमको पता चलता है कि कंप्यूटर साइंस क्या है, वो उसका अगर थोड़ा नॉलेज रहा तो हो जाता ओके शुभम, नाउ देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स इंडिया में, है। और मैं आपको बता रहा हूँ ये 2 साल 3 साल पहले की बात है जब आप इसमें गए थे, उस टाइम भी यूरोपीडिया बताता था लोगों को कि देर इज नथिंग टू वरी इफ योर गेट स्कोर इज लो एंड नो गेट स्कोर, अगर क्वालिफाई भी नहीं हुआ था नथिंग टू वरी। नाउ देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु वॉन्ट टू बी इन डेटा साइंस काइंड ऑफ डोमेन्स, और उनको करेक्ट। लगता है कि सब उनका गेट स्कोर कम है, और उसके चक्कर में क्या करते हैं वो हर साल ड्रॉप करते जाते हैं, वो एक हाई गेट स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए वो लोग ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप करते जाते हैं, एंड वो इस चीज पे फोकस नहीं करते कि जो भी तुम्हारा पास गेट स्कोर है या गेट स्कोर नहीं भी है तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। करेक्ट। और मार्केट, जॉब मार्केट में आप 1 साल पहले जाने से बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि 1 साल में तुम्हारा ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाता है। सो ड्रॉप करने के करेक्ट बजाय यू शुड फोकस ऑन यू नो कि अपॉर्चुनिटी जहां मिल रही है, और नए इंस्टीट्यूट आ रहे हैं अब और नए अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं। तो मैं आपसे जानना करेक्ट चाहूंगा कि अगर किसी स्टूडेंट का गेट स्कोर लो है, 400 से कम है, और वो डेटा साइंस वगैरह में जाना चाहता है, तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज वो एक्सप्लोर कर सकता है, क्या उसको ड्रॉप करके गेट स्कोर इंप्रूव करने की सोचनी चाहिए, या जो नेक्स्ट 2 4 मंथ है उसमें पूरा फोर्स अपना लगाना चाहिए कि जहां पे अच्छी अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर हो जाए तो वो एक्सप्लोर करे उसको। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बोलूंगा कि ये देखा जाए तो ये बहुत सारे पैरामीटर पे डिपेंड करता है इस क्वेश्चन का आंसर देना। ऐसा नहीं बोलूंगा कि जो मैं बोलूंगा वो ही करेक्ट है, लेकिन जितना मैं समझता हूँ कि वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल पर्सन पे। किसी का ड्रीम रहता है कि मुझे आईआईटी बॉम्बे से ही करना है, फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, और किसी का रहता है कि बस मुझे आईआईटी या एनआईटी मिल जाए, ऐसा भी रहता है। कोई बोलता है मुझे सिर्फ ब्रांच चाहिए, कोई बोलता है मुझे कॉलेज चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो हाँ, तो अब मैं थोड़ा अपने अपने से रिलेटेड ही बता पाऊंगा क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस है। तो मेरा था कि मुझे ऐसी जगह पे 2 साल इन्वेस्ट करना था जिसका मुझे आगे जाके फायदा हो, ठीक है, ऐसा मैं सोचता हूँ पर्सनली, ठीक है। लेकिन अगर किसी को सिर्फ पर्टिकुलर कॉलेज ही चाहिए या ब्रांच चाहिए, तो फिर उसके लिए हम कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि हर साल कट ऑफ चेंज होता है। अगर अब आते हैं उस क्वेश्चन पे कि जैसे आपने कहा कि जिसका गेट स्कोर लो है उसको क्या करना चाहिए, तो इसका प्रॉब्लम जो मैंने देखा है कि बच्चों में एक माइंडसेट बन गया है एक्चुअली, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल कि अगर 600+ आएगा तो ही कुछ है, नहीं तो अदरवाइज भूल जाओ। तो ये एक माहौल बन चुका है, उनको अंदर का मतलब सीन नहीं पता है अंदर क्या चलता है करके, राइट। तो
मुझे लगता है कि उनको अवेयरनेस की जरूरत है। ठीक है, देखिए अभी वो क्यों कम गेट स्कोर वालों को बुलाते हैं, क्योंकि हम भी वही पढ़ते हैं जो ऑल इंडिया रैंक वन लाते हैं, वो भी वही पढ़ता है। बस एक दो क्वेश्चन वो ज्यादा सॉल्व कर लेता है, हम कम सॉल्व कर लेते हैं या हम गलती कर लेते तो हम पीछे चले जाते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट सबका सेम रहता है। तो इससे क्या पता चलता है कि सिर्फ गेट स्कोर मैटर नहीं करता, ये बात उनको भी पता है, आईआईटी जो प्रोफेसर है आईआईटी के। तो मुझे ये बोलना है कि जो भी इवन दो कि आपको कम मिले ज्यादा मिले जो भी मिले, अच्छे मिले तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो मुझे मुझे ये बोलना है कि पहले आप ट्राई करो जितने भी अपॉर्चुनिटीज है। और मुझे जहां तक पता है कि अभी तो ऐसा हो गया है कि आप गेट नहीं भी दोगे तो भी अपॉर्चुनिटी है, राइट? इतना आ गया है अभी, क्योंकि इसका इतना मार्केट में अभी डिमांड आ गया है कि मतलब उनको बच्चे चाहिए। वो बोल रहे हैं आईआईटी वालों को कि भाई इसको लाओ कोर्स में लाओ, अभी तो डिग्री में भी आ गया है वो कोर्स, मेरा तो मास्टर था, अभी तो डिग्री में ला रहे हैं ये लोग। तो आप सोचिए इसकी कितनी डिमांड है। तो मुझे लगता है कि थोड़ी क्लैरिटी की जरूरत है बच्चों को, और मुझे लगता है कि कोई माइंडसेट नहीं बनाना चाहिए। मुझे लगता है ये जो माइंडसेट है ना वो बहुत मैटर करता है। जैसे अब मैं एनआईटी में था तो मुझे भी बहुत लोगों ने कहा कि भाई 4 साल देके कोई एनआईटी में जाता है, और अगर एक बात बोले कि अब कोई बंदा बोलता है मेरे को पीएसयू में भी जाना है, मैं मेरे कॉलेज में एनआईटी सूरतकल में आईओसीएल भेल और 3-4 पीएसयू आके गई थी। मतलब जरूरी नहीं कि आप गेट में टॉप करो और फिर आप पीएसयू में जा सकते हो। मेरा ही एक एमटेक रिसर्च का बंदा था, उसको बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड उसमें भी जॉब लगी, गवर्नमेंट और जो मतलब प्राइवेट थी, मतलब पीएसयू भी आते हैं एनआईटी में। लेकिन अब लोगों को क्या लगता है भाई आईआईटी में प्लेसमेंट नहीं हो रहा तो एनआईटी में क्या होगा? तो ये तो इस सबका कंक्लूजन, अवेयरनेस कम होने की वजह से स्टूडेंट डिसीजन नहीं लेते। अच्छा उन्होंने पता नहीं उन्होंने किसे सुना है या उनको पता नहीं है। मुझे लगता है कि अब इसमें क्लैरिटी कैसे लाएंगे अगर बच्चों को पता नहीं है। तो मैं बोलूंगा कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं एनआईटी सूरतकल में हूँ, तो मुझे पूछो कि एनआईटी सूरतकल का क्या सीन है, या कोई आईआईटी बॉम्बे में तो उसको पूछो कि एक्चुअल में अंदर क्या चलता है, कैसा सीन चलता है, कैंपस कैसे आते हैं, कौन सी ब्रांच का कैसा प्लेसमेंट है, या बस ये ऐसे ही लोग बताए जा रहे हैं। तो थोड़ी क्लैरिटी लानी चाहिए, ठीक है? हाँ, अगर कोई एक है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई रहते हैं पागल की नहीं मुझे आईएससी बैंगलोरी होना, ये इच होना वो होना, तो फिर मैं बोलूंगा कि ठीक है आप जाओ, वो आपका पर्सनल है। लेकिन अगर आपका गेट स्कोर लो है तो आप जितने भी अपॉर्चुनिटीज है सब ट्राई करो, समर में भी अप्लाई करो, विंटर में भी अप्लाई करो, इन केस अगर नहीं होता है तो फिर आप ड्रॉप के लिए जाओ, ये मेरा सजेशन रहेगा। बाकी मुझे जितना पता है कि आपका चैनल इतना मतलब अभी बता रहा है कि जैसे मैंने बोला कि अभी गेट ना दो तो भी अपॉर्चुनिटी, तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि गेट दोगे तो ही है, और ऊपर से अगर आप गेट क्वालिफाई होते हो तो आप और आगे चले जाते हो एक स्टेप अहेड जिनका गेट नहीं हुआ है। तो मतलब आप कहीं पे तो भी लाए कर रहे हो, ये बच्चों को समझना चाहिए, ठीक है? और भैया आज का टाइम शुभम ऐसा नहीं है कि आप अपनी लाइफ को रोक दो, स्टैग्नेंट कर दो। आज का टाइम ये कि आप चलाओ अपनी लाइफ को, और बस आप अपॉर्चुनिटीज आपके आसपास पड़ी हैं, आप उनको एक्सप्लोर करो, और कोई भी अपने दिमाग के ऊपर रिस्ट्रिक्शन मत लगा के चलो कि साहब इतना स्कोर आएगा तभी मैं कुछ वर्थवाइल कर पाऊंगा, या मैं पीएसयू जाऊंगा तभी अच्छा करियर है। ये चीजें ना लाओ, क्योंकि इकोनॉमी ट्रांजिशन फेज में है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, एंड वो इकोनॉमी इस तरीके से मूव कर रही है कि हमें बेसिकली उस इकोनॉमी के साथ मूव करना है। दैट इज हाउ वी विल गो फॉर इट शुभम, और बच्चों को उसके डायरेक्शन में चलना भी चाहिए। शुभम, अब मैं आई डोंट नो यू आर ऑलरेडी पास आउट ऑफ दिस कॉलेज नाउ, एंड वेदर यू विल बी इन पोजिशन टू गिव मी दिस रफ एस्टिमेट, रफ आइडिया। स्टूडेंट का क्वेरी होता है कि साहब प्लेसमेंट कितने का हो जाएगा, कितने लाख पैकेज लग जाएगा, सो वुड यू लाइक टू आंसर दैट क्वेश्चन? यस सर, मैं तो देना चाहूंगा इसका आंसर, क्योंकि लास्ट टाइम जो मैंने आंसर दिया था उस पे थोड़ा मतलब मैं क्लियरली बोल नहीं पाया था। तो क्योंकि जब मैंने कमेंट्स पढ़े मुझे पता चला कि वो थोड़ा गलत साउंड हो गया था वो। तो मैं अपनी बैच की बात करूंगा, तो मेरे बैच के टाइम पे फेसबुक गूगल और एप्पल को छोड़ दिया जाए तो सारी कंपनीज आई थी, मोर देन 100 कंपनीज आई थी हमारे कैंपस में। तो जो भी मैंने सुना था कि एनआईटी में प्लेसमेंट नहीं होता, ये होता है वो होता है, कुछ भी नहीं होता, उल्टा पीएस मैंने जस्ट अभी बताया कि पीएसयू भी आते हैं, ठीक है? तो अभी जो जैसा जो क्वेश्चन आता है कि हाईएस्ट प्लेसमेंट, तो वो सर बच्चों पे डिपेंड करता है। इसका मैं आपको आंसर दूंगा एक एग्जांपल के इस पे। एक बच्चे ने मेरे को पूछा कि एनआईटी त्रिची का अच्छा है या एनआईटी सूरतकल का अच्छा है प्लेसमेंट। तो इस साल जो मेरी बेस्ट थी उसमें से हाईएस्ट पैकेज आई थिंक 32 लैक्स गया था ओरेकल का। तो अभी कभी कभी कोई बंदा नहीं क्लियर कर पाता, इसका मतलब ये नहीं कि एनआईटी सूरतकल का पैकेज उतना नहीं जाएगा,
राइट, अगर शायद वो 40 लाख का करता, मतलब मेरे क्लास का बंदा, तो शायद 40 लाख हो जाता, 50 लाख का करता तो 50 लाख। तो हमारे कैंपस में उतने पैकेज की कंपनी आई थी, जस्ट बिकॉज कि कभी हम अनफॉर्चुनेटली वो क्रैक नहीं कर पाए, तो सबको क्या लगता है कि इस कॉलेज का प्लेसमेंट लो जा रहा है या ये ब्रांच का प्लेसमेंट लो जा रहा है। तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं, ये फैक्ट है, सही है। ठीक है। जस्ट बिकॉज कि मतलब अब जैसे मैंने भी, मेरा कोई उतना हाई पैकेज नहीं, बट नॉर्मल 10 से 15 के बीच में मेरा आता है। अब मैंने उतने का क्रैक किया, इसका मतलब ये नहीं कि मतलब 35 लाख की कंपनी या 45 लाख की कंपनी मेरे कॉलेज में आई थी, मैं नहीं क्वालिफाई कर पाया उसको। तो वो आप, ये जो डेटा साइंस है, मशीन लर्निंग है, एआई है, आप कोई भी कॉलेज में चले जाइए, कोई भी, मैं लिख के दे दूँ आपको, आपका मतलब अच्छा ही फ्यूचर है उसमें। और उसमें जब आप NIT सूरतकल में आते हैं, ऐसे टॉप के इंस्टीट्यूशन में आते हैं, तो फिर तो जस्ट मैंने कहा कि 100 से ज्यादा कंपनी आते हैं, मतलब बच्चे खत्म हो जाते हैं, लेकिन कंपनी हमें आप शुभम, यू आर स्टिल टू आंसर माय क्वेश्चन। एवरेज पैकेज द एवरेज पैकेज जनरल स्टेट। मेरे बैच में 10 से 15 के बीच में था सर। ओके अच्छा, अब एक और क्वेश्चन पूछूंगा शुभम। अगर कोई 10 से 15 लाख पर एनम का से करियर स्टार्ट करे, तो 3 साल के बाद वो कहां तक ग्रो कर सकता है? ये तो सर इंडिविजुअल स्किल पे डिपेंड आई करता है अंडरस्टैंड वो दैट, तो। बट वी विल टॉक अबाउट एवरेज, ऑन एन एवरेज। मैंने मतलब तो अब आप ऐसे भी लिखा इंडस्ट्री में कि हैं, नाउ यू आर इंडस्ट्री, आई एम ट्राइंग हाँ टू स्पेकुलेट ऑन द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री। कि जैसे साहब मैंने 12 लाख पर एनम से सपोज अपना करियर स्टार्ट किया, 3 साल के बाद मैं किस लेवल तक जा सकता हूँ? मैं 12 लाख से 20 लाख तक जा सकता हूँ, 25 लाख तक जा सकता हूँ, या 15 लाख तक जा सकता हूँ? मैं ये जानने की ट्राई कर रहा हूँ कि ग्रोथ कैसा होता है इंडस्ट्री के अंदर। ओके, तो उसमें भी जैसे 2-3 पैरामीटर्स आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंपनी कौन सी है, दूसरी कि आपकी जॉब प्रोफाइल कौन सी है, ठीक है, और थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट आपकी स्किल कितनी है, ठीक है। तो ये पैरामीटर्स है जिस पे डिपेंड करता है। अब मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि मैंने 3 साल दिया, फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं जितना भी कमा रहा हूँ, अब मैं 3 साल के बाद मेरे को 100% होना चाहिए, तो मतलब हाइक होना चाहिए, सॉरी। तो वो डिपेंड करता है कि मेरे उसने एक्चुअली स्किल है या नहीं, मतलब वो जो 3 साल मैंने दिया, जो एक्सपीरियंस दिया, उसको मैं जस्टिफाई कर पा रहा हूँ कि नहीं। तो अगर आपका कोडिंग कोडिंग स्किल स्पेशली अगर अच्छा है आपका, ठीक है, और स्पेशली आप डेटा के किसी भी फील्ड में है, क्लाउड में है, मशीन लर्निंग में है, AI में है, डेटा इंजीनियर है, डेटा एनालिस्ट है, डेटा आर्किटेक्ट है, ये आप कोई भी फील्ड में रहोगे, तो मैं एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकता, लेकिन आप 100% हाइक कंसिडर कर सकते हो अगर आपके स्किल्स अच्छे हैं तो। हंड्रेड आप खुद परसेंट से हाई, दैट डिमांड मीन्स करते 12 से 24 में चले जाओगे। आराम से सर, आपने 3 साल का, सर आप 1 साल में भी जा सकते हो, वो डिपेंड करता है कि आपकी स्किल आपने कितनी एफर्ट अच्छी कैसा किया किया? है। तो वही मैं तो बोलूंगा सर, ये इनफाइनाइट है एक्चुअली, ये बोलना भी गलत होगा कि 100%। मैंने तो इनफाइनाइट देखा है कि मतलब सोच नहीं सकते, इतने के ट्रांजिशन मैंने देखा है, 300%+ हाइक देखा है मैंने। अच्छा तो शुभम, अब ये बात बताओ, बच्चों में बहुत क्रेज है पब्लिक सेक्टर को लेके, बहुत ज्यादा क्रेज। मतलब 4 5 5 साल छोड़ो, मैं 7 7 साल गैप वाले बच्चे भी जानता हूँ जिनको इंटरव्यू के लिए तैयारी करवाता हूँ। 7 साल का गैप से बैठे हैं कि साहब मेरे को PSU में जाना है। शायद उनको लगता है कि करियर प्राइवेट सेक्टर में नहीं है, पब्लिक सेक्टर में ही है। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? इसमें तो सर ये अभी थोड़ा हाल ही में ये क्वेश्चन उठा था, जब वो ले ऑफ का सीन चल रहा था, कि मतलब क्यों हम गवर्नमेंट का निकाल प्रिपेयर करते हैं, राइट। ये दिया। उसी जैसा ही सीन है कि क्यों हम गवर्नमेंट के पीछे इतने साल दे रहे हैं, हम प्राइवेट नहीं दे रहे। तो इसपे मेरा ओपिनियन ये रहेगा कि ये भी जैसे मैंने कहा कि इंडिविजुअल चॉइस है, ठीक है, लेकिन मुझे ये बोलना है कि आप किसको जज मत करो। जैसे उन्होंने कहा कि देखो IT में जाओगे तो कभी भी आपको निकाल सकते हैं वो लोग, सही है, तो हम में दम है कि हम दूसरा जॉब भी ले सकते हैं। यस मैं यस गवर्नमेंट वालों को पूछूंगा या IOCL या कोई भी PSU में, अगर आपको निकल जाए तो आप दूसरा जॉब ले सकते होंगे, तो बताओ, आप नहीं ले सकते। इसका मतलब ये नहीं कि वो कैपेबल इनफ नहीं है, राइट। तो ये कैसा है कि आपको चॉइस करना पड़ता है कि आप, जैसे वो जो क्वेश्चन है कि आप 5 साल बाद खुद को कहाँ देखते हो, ठीक है, जैसे वो लोग बोलते हैं ना सेफ्टी है, सेफ्टी है, जैसे गवर्नमेंट जॉब वाले बोलते हैं, तो मैंने कभी गवर्नमेंट जॉब को बुरा कहा ही नहीं, लेकिन जब वो प्राइवेट को बुरा बोलते तो मैं बोल देता हूँ कि भाई किस बात का डर है, मतलब अच्छा, जॉब से निकाल देने का, मतलब आपको अभी, आप ऑलरेडी जॉब मार्केट में शुभम, अभी आप ऑलरेडी हाँ। जॉब मार्केट में और ले ऑफ भी चल रहा है बहुत ज्यादा, तो क्या वो डर एक्चुअल में ले ऑफ का डर होता है बहुत ज्यादा? ये क्या होता है, मतलब डू यू फील वेरी इनसिक्योर बीइंग इन प्राइवेट और व्हाट? देखिए सर, जब प्राइवेट में आई है तो पता ही है कि ये कभी भी निकाल सकते हैं, तो इसका एक सिंपल फंडा है कि जिसके स्किल अच्छे हैं ना, उसको डर नहीं है इस चीज का कि भाई निकाल सही देंगे, है, सही है। ठीक है, और अगर डर है तो अपने स्किल बढ़ाओ,
देखिए सर, हर चीज का एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, सही है सही ठीक है? अंडरस्टूड। तो आप ये, मैं बोल रहा हूँ कि मैं देखो, मैंने अभी जैसे गवर्नमेंट का और प्राइवेट का कंपैरिजन किया, मैं करता भी नहीं हूँ, जस्ट बिकॉज वो मतलब मैं क्वेश्चन आया सुनता मैंने, हूँ इसमें, हाँ बोलता हूँ, वो बोलते कि इसमें सेफ्टी है, तो नहीं दोनों ठीक है, पर्सपेक्टिव बच्चों को बताना जरूरी है ना शुभम। जरूरी है, वो सेफ्टी देखते हैं सर, तो सही है मैं उसमें गलत नहीं बोलूंगा। सही है सही अब है। वो बोलेंगे कि तुम्हारे इसमें सेफ्टी नहीं है, तो अगर फॉर एग्जाम्पल कि आज मेरे को निकाल देते, मैं अपना एग्जाम्पल ले लूँ, मेरे को निकाल देंगे तो मैं दूसरा जॉब ले सकता हूँ, मैं ट्राई यस, करूंगा, राइट? बिकॉज यू हैव एनहांस्ड योर स्किल्स। यस और सर सबसे बड़ी बात कि गवर्नमेंट कंपनी का जो परसेंट है और जो प्राइवेट कंपनी का जो परसेंट है इंडिया में, आपके निकाल दे रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, तो ये उनके लिए डरने की बात है, जो जिनको जिनके पास स्किल्स नहीं है, या जो मतलब आप समझ रहे हो कि जो डरते हैं, जिसके ओके पास स्किल है, नॉलेज है, शुभम, वो तो ले लेगा कभी भी। शुभम वन मोर क्वेश्चन आई विल आस्क यू व्हिच स्टूडेंट कीप ऑन आस्किंग दैट सर वी हैव डन अवर इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल केमिकल टेक्सटाइल एग्रीकल्चर मैकेनिकल सिविल शुड वी गो इन डेटा साइंस और नॉट या अपनी ब्रांच के साथ रहें या डेटा साइंस में जाएं आपका क्या आंसर है इस क्वेश्चन का। इसका तो आंसर तो पहली एक आता है पैशन और दूसरा आता है पैसा, दो चीजें हैं। तो मैं 4 साल में मैंने सीन देख लिया था, मुझे मुझे पता था कि पैसा चाहिए, ये मेरा पर्सनल है, ठीक है? अगर कोई है कि जो बंदा चाहता है कि मैं फुल टू अपने कोर को, या अपने जो भी है, जैसे मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल जो भी है, कोर को ही डेडिकेट करना चाहता हूँ, मुझे पैसा मैटर नहीं करता, मुझे काम करने में मजा आना चाहिए, सबके अप अपने थॉट्स है सर, ठीक है? तो अगर वैसी चीज है तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा आप कोर में जाइए, लेकिन आप थोड़ा कुछ बड़ा सोचते हो, या आपकी लाइफस्टाइल आप अच्छा सोचते हो, ठीक है? मैं जैसे कहा, वो जो इनफाइनाइट वर्ड कहा सर, वो बहुत मैटर करता है प्राइवेट में, मतलब इसकी लिमिट ही नहीं है कि आप कितना पैसा कमा सकते हो आईटी में, इतना है अगर आपको स्किल्स आती है तो। मतलब कंपेरिजन नहीं करना चाहिए ऐसा, ये गलत है, लेकिन फिर भी मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये स्टेटमेंट, बिकॉज आखिर में बात पैसों पर आती है, तो इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि जितना गवर्नमेंट वाला जब रिटायर भी हो जाता है, तो जितना कमा नहीं पाता ना, वो हम स्टार्टिंग में कमा के निकल भी लेते। ये स्टेटमेंट गलत है, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सब बहुत एक ही बात पूछते हैं, भाई कितना कमा रहा है, तो इस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। तो अगर आपको कोर अच्छा लगता है, या फिर आप कोर में जाइए, लेकिन फिर बाद में ये मत बोलिए कि यार इसमें हाइक नहीं हो रहा, हाँ तो आपने और सही बोला, आपको पैशन या पैसा दो में से एक चीज देख लो, और अगर पैशन पैसा दोनों मिल जाए तो और अच्छी बात है। सो दैट वो इज फिर सर यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है? वो फिर अलग सीन है, वो फिर दूसरे डोमेन आते, वो फिर उसमें ये आईटी वाला नहीं आता, फिर वो शायद जो सीएस वाला बंदा है जिसको कोडिंग अच्छा लगता है, तो उसके लिए ये एग्जांपल सही है कि पैशन भी है और पैसा भी है, तो चलिए ऐसी शुभम, डायरेक्ट। अब आपने बहुत इन्फॉर्मेशन दिया है, अब मैं लास्ट आपसे पूछूंगा कि जो स्टूडेंट है उनके लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं आप। मेरा तो एक ही मैसेज रहेगा कि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आप कभी भी अपने मतलब किसी भी पॉइंट पे ये मत समझो कि, जैसे स्पेशली मैं लोगेट स्कोर वाले की बात करूँ, क्योंकि जिनका ज्यादा आता है उनको कॉन्फिडेंस ही रहता है कि हो जाएगा करके, तो जिनका गेट हुआ उनको भी, जिनका नहीं हुआ उनको भी, और जिनका कम आया उनको भी, सबके लिए कि अभी इतने अपॉर्चुनिटीज आ गए हैं कि आप कभी मन में ये मत ले कि आपको ड्रॉप करना है, अंटिल एंड अनलेस कि वो फाइनल स्टेज है, मतलब उसके बाद कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। जितना आप एक्सप्लोर करोगे उतनी चीजें आपको पता चलेगी, और डेफिनेटली आज के टाइम पे इतने सारे रिसोर्सेस आ गए कि आप एनी टाइम डेटा साइंस में घुस सकते हो, जो कि आपने बोला भी कि सब बच्चों का क्वेश्चन है कि मैं नॉन सीएस से आता हूँ तो मैं इसमें एंटर कर पाऊंगा कि नहीं। अभी तो अगर आप गेट नहीं भी देते हो तो भी आपको पता है कि मतलब कोर्सेरा, ग्रेडअप, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट, जो इसका कोर्स करा के डायरेक्टली जॉब मतलब कंपनी में, इंडस्ट्री में एंट्री करा देते हैं, तो बहुत रिसोर्सेस है। बस ये मत सोचिए कि यही एक रास्ता है, यही गलत है, उनको लगता है कि यही एक रास्ता है गेट वाला या जो भी है, तो बस ये थोड़ा आप मतलब ठीक है आप गेट कर रहे हो, लेकिन थोड़ा उसको ब्रॉड रखो, ठीक है? ये नहीं तो ये नहीं तो ये, बस। यस ओके शुभम, सो नाउ आई एंड अप द वाइंड अप दिस सेशन एंड मे बी यू नो आई विल रिक्वेस्ट यू दैट यू ज्वाइन समडे विद मी फॉर लाइव सेशन वेयर स्टूडेंट्स कैन कम एंड वील हैव लाइव सेशन ऑन यूट्यूब एंड स्टूडेंट्स कैन कम एंड आस्क देयर क्वेरीज। राइट नाउ वी आर इंटरेक्टिंग बट वी आर नॉट टेकिंग क्वेश्चन फॉर द स्टूडेंट्स। वील हैव लाइव सेशन समटाइम एंड मे बी स्टूडेंट्स कैन ज्वाइन अस एंड यस वी कैन गिव आंसर्स टू देयर क्वेरीज एंड अगेन थैंक यू फॉर कमिंग अगेन ऑन दिस प्लेटफॉर्म। और मैं कुछ कुछ साल के बाद, जैसे 2-3 साल के बाद, आई विल कीप ऑन इनवाइटिंग यू सो दैट वी गेट टू नो के प्रोफाइलिंग कैसे बनता है, कैसे किसी स्टूडेंट का प्रोफाइल क्रिएट होता है शुभम व्हेन ही वाज राइटिंग इट एंड शुभम
आपने 4 साल लगा दिए बीटेक के बाद एक एडमिशन लेने के लिए, उसके बाद आप एक आईटी कंपनी इसमें चले गए, उसके बाद आपका करियर कैसा बनता जा रहा है। सो स्टूडेंट जब देखते हैं आपका लाइफ प्रोफाइल ग्रोथ करते हुए देखते हैं, तो उनको बहुत अपॉर्चुनिटीज का पता लगता है। सो आई विल रिक्वेस्ट फॉर दैट, समडे वी विल हैव दैट पर्टिकुलर लाइव सेशन शुभम। सो डेफिनेटली थैंक यू वंस अगेन एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इन कॉर्पोरेट सेक्टर। थैंक यू सर।